हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है ब्रूस वेन के साथ अब यहाँ पे एक ओल्डर वर्जन ऑफ बैटमैन दिखाया गया है एक ऐसे बैटमैन जो हमारे ब्रूस वेन जो थे उनको अब रिटायर हुए हुए दस साल हो चुके हैं एक डिकेड बीत चुका है और उनको अपने पास्ट की मेमोरीज आज तक हॉन्ट करती हैं आज तक डराती हैं कि उनके पास्ट में क्या क्या हुआ हुआ है एज अ बैटमैन उन्हें क्या क्या देखा और क्या क्या सफर किया था अब होता क्या है कि जो हमारा बैटमैन है वो डिसाइड करता है एक रिटर्न करने का वापस आने का अपने बैटमैन फॉर्म में जब वो देखता है गौथम सिटी है वो एकदम डिक्लाइन हो रही है एकदम डीके हो रही है उस पर बहुत सारा क्राइम बढ़ गया है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए बैटमैन का रिटर्न होना स्टार्ट होता है बैटमैन वापस आने का सोचता है आगे बढ़ते हैं ब्रूटल विजिलेंट

इस पॉइंट में बताया जाता है कि कैसे अब जो हमारा बैटमैन का रिटर्न हो चुका है थोड़े जो बूढ़े बैटमैन है हमारे ये जो स्ट्रॉन्गर बैटमैन है जिससे इनको अपने मिशंस मिलते हैं किस किस को इनको ओवरकम करना है टू तो फेस और द जोकर इन इन लोगों को इनको ओवरकम करना है और इनसे जीत के क्राइम को हटाना है यही एडवर्जरीज इनके आगे चैलेंजेस लेके आती है जो पुराने चैलेंजेस से बैटमैन के पास अब वो हट के कुछ नए चैलेंजेस आ जाते हैं जैसे इनके सामने आती है नई गैंग जो है द म्यूटेंट्स अब ये म्यूटेंट्स ने गौथम सिटी पे अपना राज कर लिया है और यहाँ पे लोगों को परेशान कर दिया है टेरराइज कर दिया है अब बैटमैन इस ग्रुप को इस ग्रुप के स, लड़ते हैं इस ग्रुप के साथ जो बहुत ही खतरनाक ग्रुप है और सिटी को बचाने का ट्राई करते हैं लोगों के ओपिनियन और अथॉरिटीज के ओपिनियन सबके ओपिनियन बहुत डिफरेंट है कई लोग ये मानते हैं कई लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि बैटमैन ही एक थ्रेट थ्रेट है बैटमैन ही एक हमारे लिए एडवर्सरी है एक मुश्किल है हमारे लिए यही हमारा थ्रेट है प्रॉब्लम है और जबकि कुछ लोग मानते हैं कि एक होप का सिंबल है बैटमैन का वापसी वापस आ जाना और बैटमैन इनको इन सब चीजों से बाहर निकालेगा और इनकी गौथम सिटी को फ्री करवा देगा अब बैटमैन एक अलाई बना लेता है जुड़ जाता है कमिश्नर गॉर्डन के साथ ताकि वो दोनों मिलके अपना काम कर सकें और लोगों से लड़ सकें जो हमारे म्यूटेंट्स की गैंग आ गई लड़ सकें और एक फीमेल रॉबिन कैरी केली के नाम से आती है जो इनके इस मिशन में हेल्प करेंगी एज एन असिस्टेंट तो कैरी कैली कौन है हमारी बैटमैन की असिस्टेंट है यहाँ पे मीडिया एंड पॉलिटिक्स तो मीडिया स्पोर्ट ऑफ बैटमैन ऑन पोलिटिकल एजेंडास्ट क्राइम जो मीडिया होती है वो ये दिखाती है कि कैसे हमारा बैटमैन लड़ रहा है क्राइम के खिलाफ और लड़के इन सब चीजों को से ओवरकम करने का ट्राई कर रहा है इन चीजों की वजह से पोलिटिकल टेंशन भी बढ़ जाती है जो पोलिटिकल पार्टीज है जो पोलिटिकल वहां पे स्ट्रक्चर है उसमें भी काफी ज्यादा गिराव और काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं जो हमारा पहले वाला बैटमैन था वो जोकर से लड़ चुका था पर अब दोबारा जोकर आ जाता है वापस और बैटमैन और जोकर की होती है दोबारा से कंफ्रंटेशन दोबारा से आमने सामने आ जाते हैं और उसका रिजल्ट होता है एक इंटेंस बैटल एक ऐसी लड़ाई जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक होती है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बैटमैन को एक तरह के थ्रेट की तरह देख रही है इसीलिए वो भेजते हैं सुपरमैन को ताकि बैटमैन को वो रोक सके और हमारी शा, सिटी में शांति आ जाए इसी वजह से सुपरमैन और बैटमैन जो दोनों ही एक हीरोइक पर्सनालिटी है पर्सनालिटीज़ हैं इन दोनों में होता है एक खतरनाक बैटल चाहे बैटमैन बाहर से बहुत टफ एंड रफ लगता हो पर अंदर से वो भी बहुत ज्यादा सिंथेटिक और बहुत ही ज्यादा आ, बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान है उसके अंदर एक तरह का क्योस एक तरह की जंग छिड़ी होती है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है और रिग्रेट करता है कुछ मेमोरीज के बारे में और उसको अपने पेरेंट्स की मेमोरी भी बहुत ज्यादा तंग करती है बहुत परेशान करती है क्योंकि वो अपने पास्ट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और बहुत ज्यादा इफेक्टेड भी है जो वहां, जो सिटी के लोग हैं, वो के हैं वो बैटमैन को इंस्पायर होते और सारे के सारे लोग जुड़ जाते हैं बैटमैन के साथ और क्राइम के अगेंस्ट वो उसका साथ देते हैं बैटमैन का साथ देते हैं उसको लड़ने में इतने सारे चैलेंज सैक्रिफाइस फेस करने के बाद बैटमैन हमारे गौथम सिटी में एक शांति शांति मेंटेन करवा जाता है एक ऐसी जिसमें से अब वो फ्री हो जाते हैं लोग सारी तरह की मुश्किलों से सारी तरह की गैंग से और अब उनको एक पीसफुल सिटी मिल जाती है रहने के लिए जब ब्रूस वेन ने गौथम सिटी क्राइम को खत्म कर दिया है अब एक बार दोबारा बैटमैन ये डिसाइड करते हैं कि वो रिटायर हो जाएंगे और अब जो न्यू जनरेशन आ रही है जो नए लोग होंगे उनको एक चांस देते हैं कि वो सिटी को संभालने का सिटी की रक्षा करने का काम वो लोग संभाल लें आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट लाइट की तरफ सिंबल ऑफ होप ये जो बैटमैन की स्टोरी है ये एक तरह का सिंबॉलिक की सिंबॉलिक स्टोरी है कि कैसे बैटमैन अपनी रिटायरमेंट के बाद भी स्ट्रगल करता है करता है एक सिटी को बचाने के लिए वो एक तरह की होप होता है जब एक गौतम सिटी में हर जगह पे लोगों ने जैसे कि जोकर ने और जो हमारे म्यूटेंट से जब उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया और वो वहां पे टेरराइज कर रहे हैं लोगों को उस टाइम पे डार्कनेस के टाइम पे बैटमैन जैसे लोग ऐसे लोग जो हेल्प करते हैं वो है एक सिंबल ऑफ होप इसी के साथ हमारा ये नॉवल खत्म होता है इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस नॉवल कॉमेंट डाउन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टू लर्निंग।